डेंगू मच्छर ने अपने शिकंजे को इस कदर मजबूती से फैलाया है कि बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार, हत्ता के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी लाहौर में खुली कचहरी में एतराफ कर लिया है कि डेंगू ताकतवर और हुकूमत कमजोर है। एक मच्छर साला। मच्छर जो है वो तगड़ा है, हुकूमत कमजोर है। तेजी से फैलते हुए डेंगू से शहबाज शरीफ इस कदर परेशान है कि वो अवामी शिकायत सुनते हुए गफलत के मुर्तकिब अपने ही अरकाने असेंबली पर बरसते नजर आ रहे हैं। जिसको आपने वोट दिए हैं वो आज आपके साथ खड़ा नहीं होता, वो अस्पतालों में नहीं जाता, स्प्रे के लिए इंतजाम नहीं करवाता, वो गलियों और मोहल्लों में खुद खड़ा नहीं होता। अगले इलेक्शन में उनको आप वोट न दे, मुझे भी वोट न दे। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि डेंगू के मर्ज पर काबू पाने में नाकामी पर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वजारत आला से अलग कर दें। एक मर्ज जो है उस पर काबू नहीं पा सकी पंजाब हुकूमत और बुरी तरह नाकाम हो रही है और आज तकरीबन उसके मरीजों की तादाद 2000 के करीब पहुँच चुकी है। वजीर आला तो इस बात के लिए भी परेशान है कि डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए इंतजामिया ने स्प्रे और अद्वियात भी नाकिस खरीद ली, जिसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। डेंगू के मर्ज में हुकूमती गफलत का मामला पंजाब असेंबली के ऐवान में उठाने के लिए अपोजिशन ने मुतअद्दिद तहरीक अल्तवाए कार भी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी हैं। कैमरामैन इरफान रशीद के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।